अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है। सूत्र आपके पास हो गया, अब हम लोग देख लेते हैं कि एक्सरसाइज का सवाल क्या कह रहा है। 7.2, ठीक है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उसके बाद फिर मोहिनी पट्टा तुम लोग करोगे, क्या दिक्कत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना कि अगर यहाँ पास नाम नहीं दिया, कुछ कुछ नाम नहीं देने का मतलब समझ आ रहा है, अंत है या बाह्य नहीं कहा, अंत है या बाह्य नहीं किया, तो आपका क्वेश्चन का अर्थ क्या होगा कि अंत। अगर कुछ नाम नहीं दिया है तब अंत है, और अगर क्वेश्चन में कह दिया कि बाह्य रूप से विभाजित कर रहा है तो फिर आपको क्या करना होगा, बाह्य वाला सूत्र लगाना होगा। लेकिन ना कुछ कहा है तो उसके लिए क्या होगा, अंत, उसके लिए अंत, ठीक है। तो यहाँ पास कुछ नहीं कहा है तो हम लोग किसका विभाजन करेंगे, अंत वाला करेंगे। और यहाँ पास हमारे पास एक रेखाखंड हो गया और इस बिंदु को हम मान के चलते हैं ए, और एक बिंदु है बी, और इसका निर्देशांक -1 और 7, -1 और 7, इसका निर्देशांक कितना है, हाँ 4 -3। और एक कोई बिंदु है मान के चलो यहाँ पास सी, हमको निर्देशांक पता नहीं है, हमको निर्देशांक पता नहीं है, लेकिन ए अच्छी तरह से पता है कि जो बिंदुआ सी है इस रेखा को 2:3 में क्या कर रहा है, बांट रहा है, 2:3 के अनुपात में बांट रहा है। तो हमारे हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप इस बिंदु को क्या कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे ना कि चूंकि बिंदु सी ए बी को 2:3 में विभाजित करता है, इसलिए बताओ तो कि बिंदु सी का जो निर्देशांक होगा उस सी बराबर बताओ क्या हो जाएगा, सी का जो निर्देशांक होगा वो x1 m2। अरे हम पहले ही बताए थे कि इसको इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझा रहे, इधर उधर करने का मतलब कि आप चाहो तो यहाँ पास x2 और m1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर चाहो तो ऐसे कर सकते हो, x2 और m1 प्लस x1 और m1 बट्टा m1 प्लस m2। सूत्र एक बार हम लिख दे रहे हैं। और y के लिए क्या हो जाएगा, y2 m1 प्लस y1 m2 बट्टा m1 प्लस m2। अब इसके अनुसार सोचोगे तो बताओ ना कि ये वाला मेरा m1 होगा कि नहीं, और ये वाला क्या हो जाएगा m2। तो यहाँ से इसको और आगे जाओगे तो x2, तो x2 के अनुसार ये वाला ना हो जाएगा, तो x2 कितना है, 4 * m1, तो m1 कितना, 2 प्लस x1 कितना, -1 * m2, m2 कितना, 3 बट्टा m1 प्लस m2, मतलब 2 + 3, 2 + 3। y2 कितना, -3 m1 कितना, 2 बट्टा 2 + 3 m1 प्लस m2। और यहाँ एक मिनट रुक जा, इसका भी थोड़ा सा और, प्लस y1 कितना है, 7 * m2, m2 कितना है, 3 बट्टा m1 प्लस m2, यानी कि 2 + 3। दिक्कत। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 4 * 2 प्लस ही माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3 * 5 होगा, -6 * 3 = 6 प्लस 7 = 21 और बट्टा 5।
अब थोड़ा सा एक स्टेप करा गया है, 8 में से 3 जाएगा 5/5, 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 15, 15/5। पंद्रह बट्टा पाँच, अब इसको काट दो, तो काटोगे तो कितना हो जाएगा, इसे ही काट जाएगा एक, और इसे ही काट जाएगा कितना बार हो, 3 बार में, तो यहाँ कितना आ गया 3। मतलब कि जो बिंदु सी है, ये बिंदु जो इस लाइन को 2:3 में बांटेगा, उसका निर्देशांक कितना है, कितना है 3, 1 और 3, 1 और 3, और ये आपका क्या हो गया आंसर, समझे। इस तरह से बनाया जाता है, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा हट के है, और हट करके क्या है, सारा का बेस तो सेम ही रहता है, और इस समझने की फेरा है। कहा क्या रहा है कि बिंदु 4-1 और -2 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो तो समत्रिभाजित करने का मतलब 3 बराबर भागों में उसको क्या करेगा, बांटेगा। तो 3 बराबर भागों में बांटने का अर्थ क्या है कि आप एक लाइन को खींचिए, एक लाइन को खींचिए, जैसे मान लो कि हमारे पास एक लाइन है ये, ठीक है, और इसका निर्देशांक तो हमें पता है, एक बिंदु है यहाँ ये है, इसको हम ए मान के चलते हैं, और इसका निर्देशांक गिवन कितना है, 4 और -1, 4 और -1, और ये जो आखिरी वाला बिंदु है बी, इसका निर्देशांक कितना है, -2 और -3, ये वाला, और इसको 3 बराबर भागों में बांटा गया था। 3 बराबर भाग में बांटने का अर्थ है कि यहाँ एक भाग होगा, और ये 2 भाग, और एक 3 भाग, हो गया। अब 3 बराबर भाग करने का अर्थ आपका ये है कि इसको अगर हम सी मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डी। तो यहाँ से यहाँ 1 भाग, यहाँ से यहाँ 2 भाग, और यहाँ से यहाँ 3 भाग, समझ में आ रही बात। तो अगर इस बिंदु को निर्देशांक निकालोगे तो यहाँ से यहाँ 1 है, तो इधर से इधर कितना, 2 ना, तो M1 की जगह M1 काम करेगा, M2 की जगह पे 2, लेकिन अगर इस बिंदु को निकालोगे तो इधर से क्या भाग हो जाएगा, इधर से 1 और 1 2 भाग, और इधर से क्या भाग, यहाँ से यहाँ 1 ही भाग ना, समझ में आ रही बात। तो इस बिंदु C के लिए पूरा ए वाला होगा, बिंदु इस D के लिए इधर से इधर 2 और इधर से इधर 1, मतलब कि इस बिंदुआ को हम 3 नहीं मान के 1 मान लेंगे, इसके लिए कितना हो जाएगा, इधर से इधर 2 और इधर से इधर 1, ठीक। तो कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको हम निकाल लेते हैं, यहां लिखेंगे कि चूंकि रेखा खंड AB को 3 भागों में, 3 सम, या ऐसे AB को सम त्रिभाजित किया गया है, मतलब बराबर बराबर, ठीक है, इसलिए बिंदु सी, और बिंदु सी का निर्देशांक बताओ, तो हम डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, बिंदु सी के लिए बताओ क्या हो जाएगा। एक और हम सूत्र लिख देते हैं, बाकी फिर अगले बार हम लिखेंगे नहीं, आप लोग को करना होगा। तो इसके बिंदु सी के लिए जाओगे तो क्या हो जाएगा, X2M1 + X1M2 / M1 + M2, ठीक ठाक। और वाई के लिए जाओगे तो क्या हो जाएगा, हाँ वाई, हाँ M2Y1 + M1Y2 / M1 + M2,
ओके चलो मान पुट करो, तो इधर से जाओगे तो एक्स टू कितना है, माइनस दो, माइनस दो गुने एम ओ वन, ओ वन कितना, ओ वन प्लस एक्स वन कितना चार, गुने ओ आई टू कितना दो, बट्टा ओ वन प्लस दो, ओ वन प्लस दो ठीक है। एम टू कितना है दो, ओ आई वन कितना माइनस एक, प्लस एम ओ वन एक गुने ओ आई टू कितना माइनस थ्री, बट्टा वन प्लस टू। इसको सॉल्व करना, अब हम बार बार लंबा सॉल्व नहीं करेंगे ठीक है, थोड़ा समय कर दे रहे हैं। इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस दो और प्लस आठ और बट्टा तीन होगा। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस दो और माइनस कितना तीन बट्टा। अब इसको अगर हल करोगे तो पाँच छः में आठ में से दो जाएगा छः बचेगा, और छः को अगर हम तीन से डिवाइड कर दूँ तो कितना बचेगा, तीन दूना छः दूना, इसको दो डायरेक्ट लिख देते हैं, और ई जुट जाएगा तो तीन और दो पाँच, और पाँच में डिवाइड करेंगे तीन से तक लगेगा नहीं, तो माइनस पाँच बट्टा थ्री हो जाएगा, एक आंसर आपका ये हो जाएगा। और फिर इसका पूछा है डी का, तो यहाँ पास बिंदु डी के लिए क्या करेंगे, बिंदु डी के लिए, बिंदु डी के लिए बताओ तो क्या होगा। इधर से इधर पूरा, यहां से यहां दो, पूरा यहां से यहां दो और यहां से यहां एक ठीक है। तो यहां से अगर हम कह रहे हैं तो डायरेक्ट अब हम लिखेंगे, अब बार बार इस उत्तर नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा इसके अनुसार एक्स टू, तो एक्स टू कितना है माइनस टू, तो हम माइनस दो गुने एम वन, तो एम वन कितना दो ना दो, प्लस एक्स वन, तो एक्स वन कितना चार गुने एक बट्टा दो प्लस एक, फिर वाई वन तो माइनस थ्री गुने दो प्लस माइनस एक गुने कितना वन बट्टा दो प्लस दो दूना माइनस चार प्लस चार, इस तरीके से चार और बट्टा थ्री। इसकी बात करें तीन दूना माइनस ये भी हो जाएगा माइनस एक और बट्टा थ्री। अब इसको अगर देखा जाए पूरा जीरो ना हो जाएगा, क्योंकि चार में से चार जाएगा जीरो, जीरो में तीन से भागा देंगे जीरो, इसका माइनस सात और बट्टा तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर तो आपका ये दोनों क्या हो गया आंसर ठीक है, राइट कीजिए। बाकी अगले जो क्वेश्चन है ना बना करके लाओगे ठीक है, तीसरा चौथा, और नहीं बनेगा तो फिर हम अगले वाली क्लास में इसको मेंशन कर देंगे ठीक।